दोस्तों, आप अगर गार्डनिंग करते तो ऐसा लिक्विड आज आपको बताएंगे, लिक्विड फर्टिलाइजर, जिसकी मदद से आपका प्लांट में सारे जितना भी विटामिन पदार्थ मिलता है सारे चीज़ मिलता है। पौधा आपका हरा भरा रहेगा। छोटा सा छोटा प्लांट में आपकी प्लांट के फूल और फल से भर जाएगा। दोस्तों, ये फर्टिलाइजर कैसे बनाना है, इसमें क्या मिलाना है और कितना दिन में तैयार होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते तो ये फर्टिलाइजर आप फ्री में बना सकते हैं और लगभग 1 महीना बनता है फर्टिलाइजर बनने में, और 15 दिन में ये बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 1 महीना में बढ़िया बन जाता है। दोस्तों, ये फर्टिलाइजर प्लांट में देने से आपका प्लांट इतना तेज़ी से ग्रो करेगा और प्लांट आपका हरा भरा बना रहेगा। तो ये फर्टिलाइजर आपको कैसे तैयार करना है वो भी आपको बताएंगे, और इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। दोस्तों, देखिए, हमने 2 मग्घा इसमें फर्टिलाइजर लिया लिक्विड वाला, और बाकी इसमें बाल्टी में पानी ले रहा हूँ। पानी पूरा भरेंगे बाल्टी में और 2 मग्घा फर्टिलाइजर लिए। तो ये पानी मिक्स करके फर्टिलाइजर को हमारा सारे प्लांट में हम देते हैं। हमारा जो सब्जी का प्लांट है या फ्रूट का प्लांट है सारे प्लांट में हम ये फर्टिलाइजर देते हैं। तो ये देते हैं 1 महीना बाद, क्योंकि ये हमारा तैयार जो फर्टिलाइजर है, ये फर्टिलाइजर हमारे 1 महीना बाद फिर तैयार होगा। तो इसको हम हमेशा 1 महीना बाद बाद देते हैं अपना जितना भी प्लांट है। तो दोस्तों, हम दिखाएंगे हमारा प्लांट इससे कितना हरा भरा रहता है और कितनी छोटी प्लांट में हमारा फूल और फल आने लगता है। देखिए, ये हमारा व्हाइट मिर्चा के प्लांट है, इसमें काफ़ी सारा फूल आया हुआ है, आपको दिखाते हैं। ये मेरा छोटा सा प्लांट है जो कि कौन सा फल जान कहा जाता है इसको। दोस्तों, देखिए, मेरा व्हाइट मिर्चा का प्लांट है और इसमें इतना फूल आया है और पत्तियों से ज़्यादा फूल है इसमें। और ये मेरा हाईब्रिड एक गुलाब का प्लांट है, इसमें भी काफ़ी कलियाँ आया हुआ है और प्लांट हमारा देखिए कितना हरा भरा है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि इस तरह हरा भरा बना रहे, तो फ्री में ये खा फर्टिलाइजर आप बना सकते हैं घर पे आसानी से। इसमें 1 भी रुपया आपको नहीं लगेगा दोस्तों, फ्री में बनाए फर्टिलाइजर। और ये आपको खाली 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, 1 महीना बाद आपका फर्टिलाइजर बन गया। ये मेरा जैक फ्रूट का एक प्लांट है जो कि कलम का प्लांट है, हम अपना हाथ से कलम किए इसको। ये मेरा इंग्लिश गुलाब है जिसको हाईब्रिड गुलाब कहा जाता है, इसमें काफ़ी बड़ा बड़ा फूल भी होता है। अब गर्मी के सीज़न में फूल आ रहा है इसलिए कुछ छोटा है, ठंडी में आता तो काफ़ी कलर भी इसकी अच्छा आता है और फूल भी बड़ा आता है। हम दोस्त देखिए, मेरा एक बैंगन का प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, अभी ज़्यादा 20-25 दिन हुआ हमने बीज से उगाए के फिर इसको लगाए थे, इसमें भी फूल आ गया है। और ये मेरा एक प्लांट है जो कि संतरा का प्लांट है, इसमें भी देखिए कितना हरा भरा है, इसमें अभी फूल नहीं आया क्योंकि हमने ये बीज से घर पे उगाए थे। ये मेरा काटिंग से लगा हुआ गुलाब का प्लांट है जो कि देसी प्लांट है ये, इसमें देसी प्लांट में फूल काफ़ी आया था आपकी, और जैसे हमने गमला में लगाया तो उस तरह सारे काटिंग उसी में रह गया है। ये मेरा एक गुलाल का प्लांट है जो कि हाईब्रिड गुलाल है, इसमें भी काफ़ी सारा फूल आया हुआ है और झड़ भी गया है। तो दोस्तों, ये मेरा देखिए एक गुलाब का प्लांट है, इसमें काफ़ी सारा फूल आता है और ये एक साथ काफ़ी सारा छोटी छोटी फूल होता है, लेकिन काफ़ी सारा फूल होता है, गुच्छा गुच्छा में लगा रहता है ये फूल। ये देखिए अभी आना शुरू स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों, ये फर्टिलाइजर के इसमें प्लांट में जितना भी आपका तत्व चाहिए, विटामिन वगैरह सब चीज़ इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों, ये फर्टिलाइजर आपको महीना में एक बार आपको प्लांट सारे प्लांट में आप दे सकते हैं। देखिए, ये हमारा एक नींबू का प्लांट है, इसमें गुच्छा में नींबू आता है, कुछ नींबू लगा भी है इसमें। और ज़्यादातर देखिए, ये मेरा प्लांट अभी गर्मी पड़ने लगे फिर भी कितना हरा भरा है मेरा प्लांट। तो आप भी अगर ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो आपका प्लांट भी बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा मेरे जैसा। और ये मेरा परवल का प्लांट है जो कि हमने बीज से उगाए थे, ये 2 साल 1 साल हो गया अभी इसमें फूल नहीं आया है,
देखिए कब फूल आता है और फल होता है। फिलहाल प्लांट अच्छा है। और दोस्तों ये एक नींबू का प्लांट है, इसमें भी देखिए सारे प्लांट पे हम एक महीना में एक बार एक फर्टिलाइजर देते हैं जो कि फ्री में बनाते हैं हमने। और दोस्तों इससे क्या होता है कि हमारा प्लांट में जितना भी हरा भरा आप देख रहा हो, तो इसी फर्टिलाइजर का कमाल है। इस फर्टिलाइजर में हमारा प्लांट को एकदम हरा भरा बना के रखता है। और देखिए मेरा एक अरमुद का प्लांट जो कि बीज से उगाए थे, इसमें कितना भी ब्रांच निकला है और छोटा सा एक ग्रो बैग में लगा हुआ है। तो दोस्तों ये हरा भरा, आप अगर चाहते हैं आपका प्लांट में हरा भरा ज़्यादा बना रहे, तो आप भी ये फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करें। फर्टिलाइजर से आपका प्लांट बहुत हरा भरा बना रहेगा, ये हमने गारंटी लेते हैं दोस्तों। और पैसा इसमें बिल्कुल नहीं लगना है। देखिए हमारा जितना भी मिर्ची के प्लांट है, व्हाइट मिर्ची और शिमला मिर्ची, जितना भी मिर्ची का प्लांट है वो भी कितना हरा भरा बना है। और कनेल का प्लांट में भी, इसमें क्या होता है कि हमने देखे जब से हमने ये फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी सारा बिनांस भी आते रहते हैं। फर्टिलाइजर के इतना पौष्टिक ताकत होता है कि इसमें काफ़ी बिनांस आते रहते हैं। और इसमें इसके साथ साथ ये बिनांस के साथ साथ भी देखिए हमारा बैगन के प्लांट है इसमें, और जगह कम होने की वजह से हम इसमें पोई भी बोए रखे हैं, पोई उगाने के लिए, और शिमला मिर्च भी है। तो ये सारे प्लांट में हमने ये फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा बैगन का प्लांट है जो कि आप देख रहे हो, इसमें कुछ कीड़े लग गया था, तो इसमें हमने दवा स्प्रे कर दिए हैं, तो वो अब नहीं कीड़े, लेकिन जो छेद बना दिया वो तो अभी रहना ही है। और देखिए दोस्तों सबसे बेहतरीन वैसे ये फर्टिलाइजर में क्या होता है कि प्लांट को आपका बहुत ज़्यादा हरा भरा रखेगा हमेशा के लिए, वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और इसमें कहा जाता है कि इस फर्टिलाइजर में काफ़ी सारा तत्व मिलता है जो कि प्लांट के लिए चाहिए। कितना बहुत सारे तत्व इसमें पाया जाता है, तो इसमें आपका मिट्टी को भी नरम बना के रखता है। और देखिए मेरा छोटा सा एक प्लांट है तुरई का, तो इसमें तुरई भी आ गया, काफ़ी सारा फूल भी लगा हुआ है इसमें। और प्लांट ज़्यादा ज़्यादा हमारा 15-20 दिन हुआ है प्लांट की, क्योंकि एकदम छोटा सा प्लांट है, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ऑलरेडी दो फल, मतलब फल लगा इसमें, सब्जी तुरई लगा हुआ है। और एकदम बिल्कुल छोटा सा प्लांट है, ज़्यादा ज़्यादा इसकी लंबाई 1 मीटर से भी कम ही होगा, तो आधा मीटर से कुछ ज़्यादा होगा। तो इसमें जगह कम होने की वजह से इसमें एक बैगन का प्लांट भी हमने लगाए कर रखे हैं। और इसमें ज़्यादातर इससे जो फर्टिलाइजर है, इससे हमने देखे है कि प्लांट बहुत ज़्यादा हरा भरा रहेगा आपका प्लांट, आपके गार्डन की जैसे मेरा है। और इससे हमारा जल्दी, हमारा प्लांट में, छोटा प्लांट में भी ज़्यादा जल्दी फूल फल आते रहता है। तो ये फ्री का फर्टिलाइजर आप भी एक बार इस्तेमाल करें, और महीना में एक बार इस्तेमाल करेंगे फिर भी बहुत है, क्योंकि महीना में बनने में 1 महीना लग जाता है, क्योंकि इसको सड़ाना पड़ता है, सड़ाने के बाद ये बनता है फर्टिलाइजर। और इसे 15 दिन से बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर 1 महीना अगर बन जाए तो उसके तत्व कुछ ज़्यादा मिल जाता है। तो देखिए इसमें भी हमारा साग का प्लांट है, इसमें भी हम यूज़ करेंगे। तो सारे प्लांट में हमने ये यूज़ करता हूँ, जितना भी हमारे फर्टिलाइजर हैं। और दोस्तों इससे हमारा प्लांट हमेशा देखिए कोई नीचे जो ज़मीन का मिट्टी वो टाइट नहीं होता। दूसरा बात, टाइट के अलावा हमें मेरा जो प्लांट है, ये प्लांट भी हमेशा हरा भरा रहता है। सर्दी में भी हमारा प्लांट हरा भरा, गर्मी पड़ने से भी हमारा प्लांट हरा भरा बना रहता है। तो दोस्तों ये फर्टिलाइजर, इसमें देखिए पानी मिक्स करके 2 मग्घा लिए हमने पानी, और फर्टिलाइजर सॉरी, और इसमें हम 1 बाल्टी जो कि हमारा 7-8 लीटर का बाल्टी है, तो उसमें मिक्स करके हम दे रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं दे रहा हूँ, कुछ हल्का करके, गाढ़ा भी दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने हल्का करके दे रहा हूँ, क्योंकि हल्का करने से ये होता है कि प्लांट में कोई गाढ़ा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हल्का देने से प्लांट के
जो गमला के मिट्टी है उसके नीचे तक इसकी जो तत्व होता है वो पहुंच जाता है, गाढ़ा देने से वो उपारी रह जाता है, इसीलिए हमने हल्का कर लिया। ये देखिए हमारा संतरा का प्लांट हमने उगाए भी, इससे काफ़ी सारा प्लांट है इसमें, तो इस तरह इसी हिसाब से हम प्लांट में देते रहते हैं। मेरा बैंगन का, व्हाइट बैंगन का प्लांट है, और प्लांट देखिए मेरा कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसलिए कि ये फर्टिलाइज़र में बहुत सारे ऐसा तत्व है कि प्लांट को मिलते रहते हैं। देखिए हमारा मेरा छोटा सा प्लांट है, इसमें फूल आ गया है, तो ज़्यादातर एक बीता से भी कम है प्लांट है, इसमें फूल आ गया है, तो ये नीला बैंगन कहा जाता है इसको, और ये व्हाइट बैंगन है, बैंगन का कलर अलग अलग है लेकिन एक साथ ही उगाया गया था। दोस्तों इस प्लांट में हमने और भी एक फर्टिलाइज़र हमने देते हैं, और इसमें देखिए जो कीड़ा लग गया था बैंगन के पत्ते में, कीड़ा के प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, आपको कीड़ा के प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म है। तो इससे इससे मेरा ये देखिए मेरा छोटा सा एक बैर का प्लांट है, एप्पल बैर, तो ये हमने मार्च में मंगाए थे, फरवरी के आखिरी, और आते आते मार्च हो गया, तो इसमें भी हमने लगाया, तो इसमें मैंगो के प्लांट है, ये देखिए इसमें भी फूल आ गया है, जैक फ्रूट के प्लांट, कई प्लांट हमने ऑनलाइन मंगाए थे, तो इसमें काफ़ी सारा प्लांट हमारा सब अच्छा चल रहा है, कोई एक भी हमारा प्लांट ख़राब नहीं हुआ या मरा नहीं है, और देखिए प्लांट के ग्रो कितना अच्छा है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें हमारा एक संतरा का प्लांट है, ये भी ऑनलाइन मंगाए थे, तो ये भी अच्छा ग्रो कर रहा। तो दोस्तों जब भी आप प्लांट ये देखिए, या एप्पल वेयर है मेरा, इसमें ऑलरेडी फूल आना शुरू हो गया, क्योंकि हमने ये कलम का प्लांट है, जितना भी प्लांट है कलम का प्लांट है, ग्राफ्टिंग प्लांट, तो ये हमने देखिए मंगाए थे, और इसमें फूल भी ऑलरेडी आ रहा है, ये फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र का असर है, ये देखिए छोटे छोटे फूल आ गया है, प्लांट एकदम छोटा है। तो आप भी अगर चाहते कि छोटा प्लांट में ज़्यादा आप फूल या ज़्यादा फल चाहे, तो आप ये फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा गुआवा का कटिंग है, इसको हम कटिंग कर दिए थे, तो अभी इसमें से विरांश निकल रहा है, काफ़ी सारा विरांश आ गया है, ठंडी में इसकी कटिंग किए थे। तो आप अगर चाहते हैं कि छोटा प्लांट में और ज़्यादा फूल ज़्यादा प्लांट हमारा अच्छा ग्रो करे, तो फर्टिलाइज़र आप ज़रूर इस्तेमाल करें एक बार, और बताएंगे आपको फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है और कितना दिन में तैयार होता है, वो बता दिया, 1 महीना लग जाता है लगभग। तो दोस्तों मेरा प्लांट में अभी जितना भी प्लांट है फिलहाल अच्छा ग्रो कर रहा है, और इसमें हमने बाकी सरसों का खली हफ्ता में एक बार देते हैं, वो भी 100 ग्राम सरसों का खली हम 10 लीटर पानी में भिगा के बिल्कुल हल्का करके, उसको छानते नहीं है, सीधा डायरेक्ट हम उसको मिक्स करके दे देते हैं, क्योंकि हल्का ऐसे भी रहता है, तो वो तो हफ्ता में एक बार देते ही हैं, और ये फर्टिलाइज़र हम महीने में एक बार देते हैं, और कोई फर्टिलाइज़र हमने इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों बाहर के, और कोई फर्टिलाइज़र, और ज़्यादा से ज़्यादा हम मिट्टी बनाते समय वही 50% गार्डन सॉइल दे देते हैं, 70% दे देते हैं किसी किसी प्लांट में, और 30% दे देते हैं, 30% गोबर का खाद, बस यही मेरा फर्टिलाइज़र है। कभी अगर फर्टिलाइज़र के ज़रूरत पड़ा हमको, तो हम ज़्यादातर थोड़ा सा गोबर का खाद दे देते कोई गमला में, और बाकी हम कोई अलग से कोई फर्टिलाइज़र हमने कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो प्लांट हमारा अच्छा ग्रो भी करता है, और देखिए कितना टमाटर लगा हुआ मेरा प्लांट में, ये मेरा 12 मसी नींबू का प्लांट है, कागजी नींबू, तो ये मेरा नींबू अब की बार काफ़ी फूल, सर्दी के समय आया था ठंडी में, लेकिन अब आया था कुछ फल इसमें 10-15, तो वो भी फूल से फल में कन्वर्ट हो गया है। ये मेरा एक लौकी का प्लांट है, आप देख सकते हैं, ये लौकी का प्लांट ज़्यादा था हमारा 25 दिन हुआ है, और 25 दिन में ज़्यादा छोटा सा प्लांट है एक, तो छोटा प्लांट में हमारा कितना सा देखिए लौकी आ गया है, छोटा प्लांट में हमारा लौकी आ गया, तो आप देख सकते हैं, तो ये प्लांट हमारा एकदम बिल्कुल छोटा सा है, और ऑलरेडी इसमें कई लौकी आ गया है, तो अब भी ये छोटा प्लांट में हमारा लौकी ज़्यादातर ये 1 मीटर का इस प्लांट है,
तो इसमें काफ़ी सारा लौकी आ गया है। इसकी जितना भी पत्ती है, पत्ती के किनारे किनारे सारे लौकी हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र है दोस्तों। मिट्टी हमारा इधर की मिट्टी ज़्यादा अच्छा नहीं है, मिट्टी हमारा बहुत ख़राब है। क्योंकि अगर गमला के अलावा अगर नीचे आप चाहते हैं कि ज़मीन में कोई प्लांट मतलब सब्जी का प्लांट लगा दी, तो हमारा वो प्लांट अच्छा नहीं ग्रो करता। क्योंकि फर्टिलाइज़र के कमाल है, जो हमारे यहाँ की मिट्टी कुल मिला के ठीक नहीं है। ये जो भी हमारा प्लांट ऊपर टेरिस पे आप देख रहे हैं, तो ये हमारा फर्टिलाइज़र ही है, ठीक ना। और ये सब फर्टिलाइज़र हमने इस्तेमाल करता है दोस्तों। ये आपको बनाना कैसे आपको बताते हैं। ये गाय के गोबर हो तो ज़्यादा अच्छा है, और गाय के नहीं है तो भैंस के गोबर से भी आप बना सकते हैं। गोबर, ताज़ी गोबर को आपको भिगा के रख देना है कोई बाल्टी वगैरह में। जैसे 10 लीटर का बाल्टी है, तो उसमें आपका करीब 1 किलो तक गोबर छोड़ देना है। 1 किलो 2 किलो तक आप छोड़ सकते हैं। ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसमें ज़्यादा देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 लीटर पानी में आप 2 किलो तक गोबर को डाल दीजिए, और ताज़ी गोबर जो सूखी हुई नहीं, ताज़ी गोबर, तो ताज़ी गोबर को डाल दीजिए और उसको सड़ने दीजिए करीब 1 महीना। 1 महीना बाद उसको रोज़ एक बार पार्ट डे हिलाते रहिएगा। कोई उसको पार्ट डे एक बार उसको हिलाते रहना है, और आपको 1 महीना में फर्टिलाइज़र अच्छे से बन जाएगा, ताज़ी गोबर का फर्टिलाइज़र। इसमें गोबर में काफ़ी सारे ऐसा तत्व पाया गया है जो कि प्लांट के बहुत ज़रूरी है, और प्लांट अच्छा इसमें सनबाई करता है। तो ये देखिए हमारा प्लांट। और उसके बाद आपका जब 10 लीटर पानी में 2 किलो ताज़ी गोबर देने के बाद आपका जब फर्टिलाइज़र बन जाएगा, रोज़ इसको पार डे एक बार हिलाना है। और जब बन जाएगा तो उसमें आप 2 मग्घा मतलब 2 लीटर फर्टिलाइज़र लीजिए। 2 लीटर फर्टिलाइज़र लेने के बाद उसमें कम से कम आपका 7-8 लीटर पानी मिलाइए। उसको हल्का करके आपका सारे प्लांट में देना है। गाढ़ा भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाढ़ा में क्या होता है कि वो नीचे तक आपका फर्टिलाइज़र जाता नहीं, ऊपर ही रह जाता है। तो इसलिए हल्का करके देना आपको। और 2 लीटर फर्टिलाइज़र तो 7-8 लीटर पानी आपको देना चाहिए उसमें मिक्स करके, जैसे हमने हल्का करके दे रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपका सारे प्लांट में दे दीजिए, आपका प्लांट अच्छा ग्रो करेगा और प्लांट आपका बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा। दोस्तों ये मेरा धनिया है, इसमें फूल आ गया काफ़ी सारा, और इसीलिए इसको हम रखे हुए हैं। और फूल के साथ साथ इसमें ये आप इसके में बीज हमने उगा बीज निकालना चाहते हैं, तो इसीलिए इसको हमने रख दिए हैं दोस्तों। तो आप भी अगर चाहते हैं कि अच्छा आपका प्लांट जितना भी प्लांट है सनबाइव करे, तो ज़रूर आप ये फर्टिलाइज़र को एक बार इस्तेमाल करें। तो आप देखिए, आप उसके बाद आगे फर्टिलाइज़र देखिए हमारा प्लांट कितना हरा भरा बना रहता है। और इतना धूप होने की वजह से, क्योंकि हमारा